एंड मैं एक्टरों को बुलाना चाहूंगा, भाई लोग तैयार हो, कम ऑन, जोरदार तालियां हो जाए एक बार सभी एक्टर्स के लिए, जोरदार तालियां। कार्तिक, जिंदगी में कभी अनुभव हुआ ऐसी गलत जो तुम्हारी फिल्म में थी? बहुत सारा की माइक दो यार, आप दे दो। हाँ, मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो साथ में हुई है, मेरे साथ भी हुई है। okay. काफ़ी रिलेटेबल है ये मोनोलॉग। एंड हाँ, हुआ है, मतलब मैं वेट किया हूँ ट्रायल रूम के बाहर कई बार, मेरी गर्लफ्रेंड जब शॉपिंग कर रही है तो दूसरे, जब भी वो चेंज करके बाहर आ रही है तो चार लड़के और खड़े हैं, उनको घूर रहे हैं, उन्हें ये बात समझ नहीं आती इस बात से कितनी चिड़ होती है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें बहुत हुई हैं। व्हाट्सएप में ब्लू टिकर आजकल आने लगा है, तो वो रिप्लाई नहीं किया वो ब्लू टिकर के बाद, तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो लड़ाइयाँ होती हैं। तो आई थिंक ये सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। एंड yeah. आपके साथ हुआ है? कभी आपको भी लगा कि मैं हाथ से शादी कर लूं? सर बहुत सर वो कंफ्यूज्ड हूँ लेफ्ट हैंड या राइट हैंड। ऐसा ओंकार, ऐसे बताऊं तो सबसे शरीफ तू ही दिख रहा था फिल्म में। थैंक यू। बाकी ये तो लुच्चे लफंगे दिख रहे थे दोनों। थैंक यू। है ना, आई थिंक हम सब में कुछ ना कुछ था। आई थिंक लव सर को वही दिखा था हम जब कोई स्पेशल बात थी शायद, जैसे मुझे भी पता नहीं, मुझे लगा नहीं था कि मैं ठाकुर जो किरदार है वो प्ले कर पाऊंगा। तो आई थिंक वी ऑल आर वेरी सिमिलर टू आर कैरेक्टर्स, और सर ने कहीं वो चीज़ देखी थी तो इसलिए वो वो चीज़ हम लोग प्ले कर पाए ढंग से। तो आई थिंक वी ऑल हैव आर गुड पॉइंट्स एंड प्लस पॉइंट्स एंड माइनस पॉइंट्स। क्या बात है सनी। हाँ जी सर। क्या बोलना चाहोगे यार, इतनी बड़ी फिल्म कर ली, इतना फ्रस्ट्रेशन दिखाया, पर्सनल जिंदगी में कभी ऐसा फ्रस्ट्रेशन आया? सर रिलेट तो काफ़ी लोगों ने किया, मेरे साथ भी काफ़ी बार हुआ है। बट मुझे एक किस्सा याद है कि मेरा एक फ्रेंड था जो ट्वेल्थ में सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं आप ट्वेल्थ के बाद, ये था कि ट्वेल्थ में वो था और उसके बाद सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हैं। क्यों चेंज कर रहा है यार? वो कहता है यार वो दिख रहा है दूर लड़की बैठी है, पसंद है यार मुझे, मैंने देख ले भाई। तो उसने चेंज तो करा, लड़की के चक्कर में फेल हो गया। नुसरत, जिंदगी को भी ऐसा अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस हुआ? बट किस बात का एक्सपीरियंस, पंचनामा करने का? आज बोल दो, आज सच बोल दो, सीरियसली। हाँ मतलब नॉर्मल लड़की हूँ तो हुआ भी है और किया भी है। तुमने पंचनामा किया है? कहीं जाके नहीं, पर जो बोल दो ना, देखो लव सर यही तुम्हारे। हाँ उनको तो पता ही है सब कुछ, तभी तो बताते हैं ऐसे कहा। रियलिस्टिक है, ऐसी है ना? हाँ इसी मैंने सब ऐसे ही कास्ट किए हैं। एक सेकंड, नॉट पॉसिबल। रियल लाइफ में जैसे है ना वैसे ही, मैं डायरेक्टर से अच्छा कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। एक सेकंड, नॉट पॉसिबल सर। लोग ऐसे चुनो जो कैरेक्टर के आसपास के हों, काम ज्यादा कराना नहीं पड़े। सर बट नॉट पॉसिबल, फर्स्ट पार्ट में आपने मुझे बहुत अलग बनाया था, तो मैं दोनों कैसे हो सकती हूँ? तो वही तो हुआ ना, उसके बाद तुम चेंज हो गई, इस कारण नहीं बना था यार। लड़कियों का कोई फिक्स कैरेक्टर होता भी नहीं है, लड़कियों का कोई फिक्स कैरेक्टर हो ही नहीं सकता, लड़की नहीं रह जाएंगी फिर तो यार। तो मैं माइक दे देती हूँ लड़कों को, नहीं बोलती हूँ कुछ। मैंने कार्तिक, ये हीरोइन तुम्हारी ऐसी है बचपन से ऐसी है? आई थिंक अभी भी बचपन ही है, तो जितना है वैसी है वो। और कैरेक्टर जो इनने अभी प्ले किया चीकू का, तो बिल्कुल वैसी है। और हाँ मतलब, अच्छा झूठ बोल, नहीं नहीं वैसी नहीं है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, ऊपर वाला मेरे को मारे। लेकिन आई थिंक इन्होंने बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, फैबुलस एक्ट्रेस है, इसलिए इतना अच्छा लग रहा है। इतनी इरिटेटिंग लग रही है वो स्क्रीन में, पहली फिल्म में भी ऐसी लगी थी, इसमें भी लग रही है, तो बहुत अच्छे से एक्टिंग करती है, इसलिए ऐसा है। यस सर। वाओ। इसी तरह क्या बोलना चाहेंगे नुसरत के बारे में? हाँ। नहीं मैं अपने बारे में बताती हूँ। प्लीज आप अपने बारे में बता सकती हैं और किसी के बारे में बता भी नहीं सकती हैं। मिरर चाहिए इनको, पहले मिरर चाहिए। शट अप। इससे पहले इशिता कुछ बताया, मैं इशिता के बारे में कुछ बताता हूँ। मतलब वो एक किस्सा इशिता को डिफाइन करता है। That's not true. तो हम सीन शूट कर रहे हैं सेट पे और एक टेक हुआ और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि इसको थोड़ा और समझाना चाहिए तो कुछ बेहतर करेगी। तो मैंने देखा मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ, ये भी मेरी तरफ आ रही है। मैंने कहा अरे वाह, इतनी शिद्दत अपने आप से पता है पूछने आ रही है। ठीक है, मेरे हाथ में स्क्रिप्ट है, मैं ऐसे जा रहा हूँ, इसने हाथ आगे बढ़ाया, मैंने स्क्रिप्ट आगे बढ़ाई, इसने मेरे कंधे पे के पीछे हाथ डाल के मेकअप वाले से वो मिरर लिया और ऐसे पलट के चली गई। वैनिटी इज फेयर सर। मैंने उस दिन एक्चुअली ये किया है कि मैंने वो डायलॉग शीट लेके मिरर में ऐसे दिखाई, मैं इसमें ही पढ़ लो।
वो एक्चुअली कैरेक्टर इतना अच्छा वेल रिहर्स था तो मुझे लगा लुक का ध्यान ले लूं। ये देख रहा था मोबाइल जो दे रही थी, मैं समझ गया था वो वेल है। तो पंचनाम, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मुद्दे की बात करते हैं हम। जी जी, मुद्दे की बात कीजिए। तो पंचनामा तो मैंने मतलब नहीं करा है, मतलब जैसे सब बोलते हैं राइट कास्टिंग करी है। मैंने तो लव स्टोरी करी थी सोच के, लेकिन पता नहीं सर ने कैसे पंचनामा बना दिया एडिट पे। इतने कन्विंसिंग थे, इतने कन्विंस किया था हम तीनों लड़कियों को कि तुम तो प्यार में कर रही हो ऐसे, तुम्हें तो लड़के से बहुत प्यार है। मुझे तो जो समझाया था कि इट्स ऑल यू नो हाउ मच यू वॉन्ट हिम इन योर लाइफ एंड हाउ मच यू डेडिकेटेड टू हिम एंड कमिटेड टू हिम, तो मैंने तो वही सोच के करा। पता नहीं पंचनामा कैसे दिखा दिया उन्होंने। नहीं, सोनाली अपने बारे में बोल सकती है? मेरे फैन हो गए? नहीं, सबसे पहले नहीं, सबसे पहले सोनाली का डायरेक्टर मैं। आई लाइक यू। या प्लीज प्लीज प्लीज, आपने कोई पंचनामा किया किसी का? नो, कभी नहीं। इसका किया फिल्म में। शट अप, सनी बोलना, चल झूठी इसको। यार मैं कुछ भी बोलू ना, nobody claps, women don't clap. मैं कुछ भी बोलू, जब से फिल्म रिलीज हुई है इट्स ऑलमोस्ट लाइक इफ आई से आई एम एट JW Marriott इन मुंबई टुडे, ही विल बी लाइक चल झूठी। मतलब कुछ भी मैं बोल, मैं बोलूंगी मेरा नाम सोनाली सहगल है, ही विल बी लाइक चल झूठी। तो मैं कुछ नहीं बोलूं। तुमको बोलना चाहिए आई लव यू, मैं घर में आ रही हूँ तुम्हारे। चल झूठी, झूठ बोलेगा ही नहीं कभी, बोलेगा आ जाना जल्दी, ऐसा बोलेगा वो। वो बहुत चतुर है सनी बेटा, है बोलना, अब नहीं बोलेगा ना तू। अच्छा स्वीट बॉय, लव इनके बारे में बताओ, सोनाली के बारे में बताओ यार। नहीं नहीं अभी बहुत बात। हेलो, हाँ हाँ, ऑन योर राइट। सबसे पहले मैंने मैंने कंग्रेचुलेशंस फॉर द फिनोमिनल सक्सेस। दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम बॉलीवुड नजर। माय क्वेश्चन टू यू इज कि यहाँ पे हम देख रहे हैं सेलिब्रेटिंग ब्रेकअप्स वर्ल्ड वाइड, कहीं जहाँ हमने पढ़ा है क्रिएटिंग ब्रेकअप्स वर्ल्ड वाइड, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग में से किसी के पास कोई ऐसा आया हो जिन्होंने कहा कि हमारा ब्रेकअप आपकी मूवी देखने के बाद ही हुआ है? आई हैव बीन डाइंग टू शेयर दिस इंसिडेंट, और मैंने अपने सारे सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो और पिक्चर शेयर की है। सो दिस हैपेंड लिटरली 3 days बैक। लॉट ऑफ पीपल हैव कम टू अस एंड टोल्ड अस कि यू नो हमारा फिल्म के बाद ब्रेकअप हो गया ये वो। सो आई वॉज इन माई कार, आई वॉज पार्किंग इट, और मैं पार्क करने के पहले सेल्फी ले रही थी। तो सेल्फी ले रही थी तो ये लड़का देख रहा था, तो मुझे लगा कि मे बी इज जस्ट स्टेयरिंग, चिक्स डू दिस ऑल द टाइम। एंड सडनली आई हियर अ नॉक, और मैंने टर्न किया। सो ये लड़का हाथ में एक टिश्यू पेपर लेके ऐसे खड़ा हुआ था, और उस पर लिखा हुआ था थैंक यू टीम PKP2, यू ऑल हैव सेव्ड माई लाइफ, एंड ही डिड दिस। आई जस्ट टर्नड अराउंड, आई कुडंट स्टॉप लाफिंग। उसके बाद मैंने विंडो रोल डाउन की, उसने तेरी तरह मोनोलॉग शुरू किया। आई टोल्ड यू कि यू हैव नो आइडिया, आई वेंट टू वॉच द फिल्म, और हम तीन दोस्त ऐसे हैं, और मेरी गर्लफ्रेंड मुझे इतना अनॉय करी थी, एंड लिटरली फिल्म देखने के नेक्स्ट दिन उसने ब्रेकअप किया था। सो दैट इज ऑन योर हेड। कार्तिक, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है इंसिडेंट? मेरा जो फैन पेज वगैरह है या मेरा जो पर्सनल नंबर भी है उसमें आजकल उल्टे मैसेजेस आने लग गए। नहीं नहीं, लड़कियां हेट नहीं करती, लेकिन मैसेजेस आ रहे हैं कि वो रिलेशनशिप में उनको जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसका सोल्यूशन मुझसे मांग रही हैं। एंड मेरा नंबर दे दे। पता नहीं, वो लव गुरु वाला सिचुएशन चालू हो गया। मैंने बोला उल्टा था, उसमें अगेंस्ट बोला था। लड़कियों की यही प्रॉब्लम है कि बोलते कुछ और है, समझती कुछ और है, करती कुछ और है। तो आई थिंक वो हो गया, तो सल्यूशन मांग रही हूँ, एंड ये सिचुएशन है। बाकी एक चीज़ और हुई थी, आई मीन एक फिल्म के टाइम ना फ़ोन नंबर दे दिया था मैंने, जो राहुल का नंबर दे दिया था अपना नंबर बोल के। तो मैं एक सीन पे इनको अपना नंबर बोलता हूँ, तो वो एक्चुअली हमारे एसोसिएट डायरेक्टर और को राइटर राहुल का नंबर है। तो उनको फ़ोन आने लगे हैं आजकल लड़कियों के, और वो भी उनसे भी सोल्यूशंस मांग रही हैं, और उनका भी ऐसा लग रहा है कि मेरा ब्रेकअप कैसे बचेगा। ये सारी सिचुएशंस हो रही है। यार आई थिंक व्हाट दे ट्राइंग टू से इज कि जब एक आदत बुरी आदत बन जाती है सो इट बिकम्स इंजूरियस टू हेल्थ। सो व्हाट सर एंड अभिषेक आर ट्राइंग टू से इज कि प्यार अब एक बुरी आदत बन गई है कुछ लोगों के लिए। आई एम गोना से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि सारी लड़कियाँ ऐसी नहीं होती। तो जब वो हो जाता है आपकी लाइफ में, देन लव एक्चुअली बिकम्स इंजूरियस टू योर स्लीप, योर फ्रीडम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सोहेल, आपके साथ भी ऐसा हुआ? सोहेल, आपके साथ ऐसा हुआ? एक मिनट, आई डोंट बिलीव इन इट, बट आई डोंट बिलीव इन इट, नो। 1, 2, 3, 4, शेक योर बॉडी।